तो लगातार हम इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, कैसे एक मशहूर और जाने माने पत्रकार की हत्या होती है और कैसे एक महिला पत्रकार इस पूरे मामले में इस बात के लिए कल्प्रिट मानी जाती है कि उसने ही सारी इंफॉर्मेशन अंडरवर्ल्ड में लीक की है। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ बने हुए, उनसे लगातार हम बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले बताएं कि मुंबई में एक जाने माने सीनियर क्राइम रिपोर्टर जेडे के मर्डर में एक अंग्रेजी अखबार के रिपोर्टर जिग्ना वोरा की गिरफ्तारी से हुआ है यह सनसनीखेज खुलासा। रिपोर्टर्स के डॉन कनेक्शन का खुलासा, जहां एक रिपोर्टर जिग्ना ने की डॉन के लिए मुखबिरी और दूसरा रिपोर्टर जेडे का हो गया मर्डर। जिग्ना पुलिस कस्टडी में है और पूछताछ में कई और बड़े खुलासे होने की आशंका है। एक रिपोर्टर ने की डॉन की मुखबिरी, दूसरे रिपोर्टर का डॉन ने कराया मर्डर। एक रिपोर्टर ने डॉन के साथ रची साजिश, दूसरे रिपोर्टर की गई जान। देश की सबसे सनसनीखेज साजिश, एक महिला रिपोर्टर पर लगे संगीन आरोप, डॉन के इशारे पर काम करने के आरोप। इस रिपोर्टर को किया मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार। मुंबई से छपने वाले अंग्रेजी अखबार एशियन एज की रिपोर्टर जिग्ना बोरा पर लगा ये इल्जाम अगर सच है तो देश ही नहीं दुनिया की पहली घटना होगी जब किसी रिपोर्टर पर दूसरे रिपोर्टर की हत्या की साजिश में शामिल होने का इल्जाम लगा है। मुंबई की नामचीन क्राइम रिपोर्टर और एशियन एज की डिप्टी ब्यूरो चीफ जिग्ना बोरा पर इल्जाम है कि उसने मिडडे के सीनियर जर्नलिस्ट जेडे के बारे में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को जरूरी सूचनाएं मुहैया कराई और फिर जेडे का दिन दहाड़े मर्डर हो गया। कहा जा रहा है कि जिग्ना बोरा और जेडे के बीच प्रोफेशनल राइवलरी थी, दोनों एक दूसरे को नापसंद करते थे, लेकिन कोई सोच नहीं सकता कि ये प्रोफेशनल राइवलरी इतनी बढ़ जाएगी कि जिग्ना डॉन के लिए मुखबिरी करने लगेगी और जेडे के खिलाफ उसे भड़काने का काम करने लगेगी। मैंने कहा, शुरू से ही कहा, इसके बारे में कोई भी चीज कहना प्रीमैच्योर होगा। जाहिर है कि कहीं ना कहीं कुछ प्राइमा फेसी इनका इन्वॉल्वमेंट के बारे में हमें मिला हुआ है, इसलिए कदम उठाना पड़ा, नहीं तो सहसा हम नहीं करते ऐसे। मुंबई पुलिस की माने तो जिग्ना बोरा ने जेडे के मोटरसाइकिल का नंबर, उसका पता और उसकी फोटो डॉन छोटा राजन को मुहैया कराई थी। छोटा राजन ने इसी का इस्तेमाल करते हुए 11 जून 2011 को जेडे की हत्या करवा दी। पुलिस का दावा है कि जिग्ना और छोटा राजन के बीच हुई बातचीत के ऐसे सबूत हैं जिसके आधार पर जिग्ना का बचना मुश्किल है। जेडे की हत्या के बाद जब सभी अखबार इसके लिए छोटा राजन को जिम्मेदार ठहरा रहे थे, तब जिग्ना अपनी खबरों में इस हत्याकांड के लिए दाऊद गैंग का हाथ बता रही थी। जिग्ना की खबरों से भी इस बात का पता चलता है कि वो लगातार पुलिस इन्वेस्टिगेशन को भटकाने की कोशिश कर रही थी। जिग्ना पर आरोप है कि उसने छोटा राजन को जेडे के खिलाफ भड़काने की कोशिश की और ईमेल के जरिए मिडडे में छपी कई ऐसी खबरें भेजी जिससे डॉन ये मानने को मजबूर हो जाए कि जेडे उसके खिलाफ खबरें लिखकर उसे नुकसान पहुंचा रहा है। पुलिस कस्टडी मिला हुआ है, डिटेल उनका क्या रोल है नहीं है, अगर रोल होता था तो हम पुलिस कस्टडी लेते नहीं थे ना, यही जानने के लिए पुलिस कस्टडी आ जाता है। तो ये जो पुलिस कस्टडी के दरमियान उनका क्या रोल रहा है या नहीं रहा है, इसकी तफ्तीश की जाएगी। सबसे हैरानी की बात यह है कि जेडे और जिग्ना बोरा दोनों ही छोटा राजन के करीबी माने जाते हैं। सूत्रों की माने तो छोटा राजन के गुडबुक से जेडे का नाम काटने के लिए ही जिग्ना ने डॉन को भड़काने का काम किया। हालांकि जेडे की हत्या करवाने के बाद छोटा राजन ने माना कि उससे चूक हुई और उसने गलतफहमी में इस पत्रकार की हत्या की सुपारी दे दी। मुंबई पुलिस को फोन सर्विलांस के जरिए जिग्ना और डॉन के बीच हुई बातचीत का पता चला, फिर कड़िया जोड़ते हुए पुलिस जिग्ना तक पहुंच गई। जिग्ना अब पुलिस रिमांड पर है। संकेत पाठक के साथ प्रवीण मिश्रा, मुंबई, न्यूज 24।
तो इस केस में अभी तक 11 गिरफ्तारी, पत्रकार जिग्ना भी पुलिस हिरासत में 1 दिसंबर तक के लिए। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, मुंबई से हेमंत शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही साथ दिल्ली से अमित शर्मा हमारे साथ हैं और वैभव कुलकर्णी मुंबई से हमारे साथ हैं। साथ ही स्टूडियो में हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजीत अंजुम भी बने हुए हैं। वैसे हम आपको बता दें कि कैसे हुआ रिपोर्टर्स के डॉन कनेक्शन का खुलासा, कैसे पहले शक के दायरे में और फिर गिरफ्त में आई क्राइम रिपोर्टर जिग्ना वोरा। नाम जिग्ना जितेंद्र वोरा, उम्र 37 साल, पेशा अंग्रेजी अखबार में डिप्टी ब्यूरो चीफ। कैसे पहुंची पुलिस महिला पत्रकार तक? अंडरवर्ल्ड डॉन ने किया था जेडे के कत्ल का कबूलनामा, तो फिर कैसे जेडे के कत्ल के मामले में सामने आया क्राइम रिपोर्टर जिग्ना जितेंद्र वोरा का नाम? दरअसल छोटा राजन के साथ इंटरव्यू के दौरान वोरा को कई बार डॉन के साथ बातचीत करने का मौका मिला था। सूत्रों के मुताबिक डॉन छोटा राजन इस बात पर नाराज था कि मीडिया में हमेशा उसके खिलाफ खबरें आती हैं। इस बातचीत के दौरान वोरा ने डॉन को ये कहा था कि उस अंग्रेजी अखबार में भी उसके खिलाफ काफी छपता रहता है जिसमें जेडे काम करता है। यहाँ जिग्ना जेडे के मिडडे अखबार का जिक्र कर रही थी क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां डॉन छोटा राजन के सारे कॉल टैप करती है। माना जा रहा है कि जेडे हत्याकांड की जांच कर रही क्राइम ब्रांच को डॉन और जिग्ना के बीच हुई बातचीत की ये ट्रांसक्रिप्ट मिली है। डॉन छोटा राजन ने अपने गुर्गों से बातचीत में इस बात का भी जिक्र किया था कि जेडे की हत्या जिग्ना वोरा की गलत जानकारियों की वजह से हुई थी और जेडे की हत्या एक गलती थी। इसके बाद पुलिस ने वोरा पर नजर रखना शुरू किया। पुलिस उन सारे कॉल की जांच कर रही थी जिन पर जिग्ना से बात हो रही थी। इनमें से कुछ कॉल लंदन के नंबर से भी किए गए थे जिन पर पुलिस को शक था कि शायद ये छोटा राजन के हो सकते हैं। क्राइम ब्रांच की यूनिट 1 ने इस बीच 2 बार वोरा को बुलाकर उससे बयान भी लिए थे। पुलिस या पूछताछ में जिग्ना से पुलिस को कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला और पुलिस ने इसी के आधार पर जिग्ना को गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों के मुताबिक पुलिस के पास जिग्ना के छोटा राजन से बातचीत के वारंट हैं जिसमें जिग्ना ने राजन से जेडे का जिक्र किया है जो उसके खिलाफ अखबार में लिखता है। साथ ही पुलिस को शक है कि जेडे के बाइक का नंबर और घर के आने जाने के रास्ते और फोटो भी जिग्ना ने ही डॉन को मुहैया करवाए थे। पुलिस आयुक्त अरूप पटनायक भी जिग्ना वोरा की गिरफ्तारी पर यही कह रहे हैं कि उसके पास इस पूरे मामले में शामिल होने के पुख्ता सबूत होने के बाद ही ये गिरफ्तारी हुई है। जिग्ना और जेडे के बीच किस बात को लेकर अनबन थी इस बारे में अब जानकारियां सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक जिग्ना और जेडे में पत्रकारिता के पेशे में एक तरह से एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ थी जो कि छोटा राजन के गुर्गे फरीद तनाशा को लेकर आपसी दुश्मनी में बदल चुकी थी। जिग्ना मुंबई के मिड्डे अखबार में जेडे के साथ काम कर चुकी थी और उसके मौत के बाद उसने फिर से मिड्डे अखबार में काम करने की इच्छा जाहिर की थी। इससे पहले भी क्राइम ब्रांच 2 बार जिग्ना वोरा से पूछताछ कर चुकी थी लेकिन अब उसे फोन कॉल डिटेल, डॉन से बातचीत के दौरान जेडे के खिलाफ भड़काने और जेडे की कई अहम जानकारियों को पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। प्रवीण मिश्रा, मुंबई, न्यूज 24। मुंबई के एक रिपोर्टर के मुखबिरी और मुंबई के दूसरे रिपोर्टर का कत्ल बहुत बड़ी खबर है। लगातार आप न्यूज 24 पर देख रहे हैं कवरेज। कल रात से ही मुंबई की सीनियर क्राइम रिपोर्टर जिग्ना वोरा की गिरफ्तारी हुई है। मुंबई के एक सीनियर क्राइम रिपोर्टर जेडे के कत्ल की साजिश में शरीक होने के इल्जाम में उन पर इल्जाम है कि उन्होंने छोटा राजन को वो सूचनाएं दी जिसके आधार पर छोटा राजन ने जेडे का कत्ल कराया। बहुत बड़ा सवाल हेमंत शर्मा, सबसे बड़ा सवाल यह है कि कई हफ्तों से जांच चल रही थी, 10-11 लोग अरेस्ट हो चुके थे और अब तक कहीं खुलासा नहीं हो पा रहा था कि जेडे की साजिश, जेडे के कत्ल के पीछे क्या राज है, क्या मकसद है, क्यों कत्ल कराया छोटा राजन का ने। लेकिन अचानक जिग्ना वोरा की गिरफ्तारी, पूरा मामला क्या है, कैसे तार पुलिस जोड़ते जोड़ते जिग्ना वोरा तक पहुंची? हेमंत,
देखिए अजीत जी, जिग्ना वोरा का नाम बहुत ही शुरुआत से पुलिस के राडार पे था। जिग्ना वोरा को जो राजन गैंग के जो लोग हैं उनके काफ़ी नज़दीकी माना जाता था। फरीद तनाशा जिसकी हत्या हुई थी, फरीद तनाशा भी जो है जिग्ना के काफ़ी नज़दीकी फरीद तनाशा को माना जाता था। तो जब जेडे की हत्या हुई उसके बाद पुलिस ने सब जितने वो क्राइम रिपोर्टर या वो लोग जिनसे कि कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पर राइवलरी हो सकती थी उनके कॉल डिटेल्स निकालने शुरू किए, उनसे बात करना जब शुरू की, उस समय पुलिस को जो जानकारी मिली उसमें एक जो ट्रांसक्रिप्ट जो थी वो राजन और जिग्ना वोरा के बीच जो ट्रांसक्रिप्ट थी, उस ट्रांसक्रिप्ट में जब राजन ने जब ये सवाल किया कि जब राजन ने ये बताया कि मीडिया मुंबई में मीडिया में काफी लोग मेरे खिलाफ लिख रहे हैं, तब जो ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक जिग्ना ने ये कहा कि हाँ मिड्डे भी आपके खिलाफ लिखता है और डे ने भी आपके खिलाफ काफी स्टोरी की है। तो तब ये चीजें उस समय पुलिस के उसमें ये बात पहली बार जो है वो सामने आई थी कि ये मामला जो है इस पर आगे भी जांच की जा सकती है। लेकिन इस बीच जी हम दर्शकों को बता दें, एक बार खबर यह भी आई कि छोटा राजन ने कहीं अफसोस जाहिर किया कि उसने चूक की और गलती से जेडे के कत्ल की साजिश को उसने अंजाम दिया। इसकी वजह भी हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं अमित शर्मा, हमारे दिल्ली रिपोर्टर, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर। अमित, पूरा माजरा आप समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, हम सब ने आज तक ऐसी कोई खबर सुनी नहीं, जानी नहीं, देखी नहीं कि एक रिपोर्टर के कत्ल की साजिश रचने में छोटा राजन जैसे डॉन तक खबरें पहुंचाने, मुखबिरी करने के इल्जाम में दूसरे क्राइम रिपोर्टर को पकड़ा जाता है। सबूत आएंगे तब पता चलेगा इसमें तथ्य कितना है, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा क्या वाकई जिग्ना वोहरा की जानकारी में जेडे का कत्ल हुआ या जिग्ना वोहरा एक मोहरा भर्ती। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या रिपोर्टर्स मोहरा बनते हैं? क्या रिपोर्टर्स डॉन से खबरें जुटाने के चक्कर में उनके इतने करीब भी जाते हैं कि रिपोर्टर्स का इस्तेमाल डॉन कर लेता है? यह सवाल अभी भी जवाब मांगता है। अमित, बिल्कुल अजीत जी, देखिए खबर के पता करने के लिए रिपोर्टर जरूर डॉन तक पहुंचता है, सोर्स बनाता है, लेकिन ये एक चीज बात ध्यान में रखनी होती है कि कहीं डॉन रिपोर्टर का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। कई बार ऐसा होता है अजीत जी कि रिपोर्टर को न सिर्फ सोर्स को कुछ बताना पड़ता है बल्कि कई बार रिपोर्टर को स्टोरी का पार्ट भी बनना पड़ता है, लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि कहीं डॉन हमारा इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, रिपोर्टर का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, और इस केस में यही हुआ है। जिग्ना ने जरूर ये कहा जा रहा है कि जिग्ना ने बताया था कि जेडे जो है वो छोटा राजन के आर्क राइवल डी कंपनी के लिए मुखबिरी कर रहा, और इसी गलतफहमी में छोटा राजन ने उसकी हत्या करवाई। लेकिन एक चीज और देखना होगा कि किस तरह से छोटा राजन ने धीरे धीरे जिग्ना को अपने खेमे में आने दिया खबरों के लिए, और धीरे धीरे उसका इस्तेमाल करना शुरू किया इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। जाहिर तौर पर इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कैसे इस्तेमाल किया गया जिग्ना का, ये पुलिस फिलहाल जानकारी तो जिग्ना से ले ही रही है कि आखिर इस पूरे मामले में हुआ क्या। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ बने हुए जो कि इस मुद्दे पर प्रकाश डाल रहे हैं कि आखिर अब तक इस केस में क्या कुछ हुआ है, स्टेप बाय स्टेप। लगातार आगे भी चर्चा हम जारी रखेंगे, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ 24।